कोड़ेसराय में अज्ञात कार ने बाइक को मारी टक्कर, दो युवक गंभीर रूप से घायल करा। हल्के अस्पताल में नहीं मिली गंभीर घायलों को एम्बुलेंस, तड़पते रहे घायल। चंदा जुटाकर निजी वाहन से घायलों को इलाज करवाने ग्वालियर ले गए परिजन। एक तरफ मध्य प्रदेश में एम्बुलेंस योजना शुरू की गई है, वहीं दूसरी तरफ श्योपुर जिले में घायलों को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। ऐसा मामला फिर हुआ है। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर निजी खर्च पर कार से चलते एम्बुलेंस के रूप में घायल युवक को परिजन ग्वालियर या शिवपुरी लेकर गए। मामला कराहल थाना क्षेत्र के गौरसराहे का है। आपको बता दें कि परिजनों के कराहल अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि दो घंटे से पड़े हैं मगर अभी तक ठीक तरह से इलाज नहीं हुआ है और न ही एम्बुलेंस आई है। एक युवक के पैर से तो अभी तक खून लगातार बह रहा है। अस्पताल में मौके पर मौजूद ग्रामवासी, भाजपा नेता नंद किशोर आदिवासी भी कराहल अस्पताल के सिलचर व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे कि सरकार के अथक प्रयासों के बाद भी आदिवासी विकास खंड कराहल की व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही है। जब घायलों को ले जाने वाली एम्बुलेंस ही नहीं है तो क्या उम्मीद की जा सकती है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि घायल दो युवकों को अस्पताल पहुंचाने के लिए 108 एम्बुलेंस से मदद मांगी गई लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली। कराहल अस्पताल पर तड़प रहे घायल का प्राथमिक उपचार के बाद निजी खर्च पर ग्वालियर या शिवपुरी के अस्पताल ले जाया गया। यह हादसा शुक्रवार की देर रात का है। बाइक सवार येशु पुत्र जगदीश आदिवासी निवासी अजापुरा और परीक्षित पुत्र रमेश आदिवासी निवासी बड़ी कॉलोनी करहल को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। देखिए संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। किशोर क्या कहाँ ले जा रहे हैं आपने निजी गाड़ी से? निजी गाड़ी सीट भी ले जा रहे हैं ग्वालियर। तो क्या आपको एम्बुलेंस नहीं दी जा रही यहाँ पर? नहीं दी जा रही ना, धीरे दी जा रही तो फिर गाड़ी क्यों लाते, दो घंटा तो मन को। तो आप किराए से गाड़ी लेकर जा रहे हैं? किराए से लेकर जा रहे हैं। अच्छा, ये कौन है आपके? दीवाने है। गाड़ी नहीं आ रही, दो तीन घंटा हो गया, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, अभी परेशान हो रहे हैं मरीज। तो क्या इन लोगों को एम्बुलेंस भी नहीं दी गई यहाँ से? नहीं नहीं सर, सरकार बारे ने नहीं दी बिन्ने। अच्छा, 6 बजे से डरे हैं जे, पैसा लाए हैं, कोई कोई पैसे लाए हैं तो, और तब अब भी कर रहे हैं, अब पहुँचाइए गाड़ी खुद की करके घर की। कर रही सरकार, अब करती तो आज करती नहीं सरकार। नहीं तो ये अस्पताल की कहीं ना कहीं लापरवाही है। कराहल लापरवाही तो बहुत है अस्पताल है, उन्होंने 4 घंटा होगा मोड़ा, उनको डरे डरे बैठे रह रहे हैं, बेबी नहीं गया वो मोड़ा फिर रहा मरीज ना करा, बेबी नहीं गया हम 3 घंटा लोन डरे इतने समय में उन्होंने कर रहा वो मोड़ा चिल्ला रहा है ज्यादा गंभीर है। अच्छा, हाँ वो एक मोड़ा तो ये परेशान हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी एक लापरवाही यहाँ सामने, लापरवाही है जो अस्पताल की, अब कराल की कोई सुनवाई ही नहीं है, कब के आदि फिर रहे हैं कोई सुनवाई नहीं कर रहा। डॉक्टर साहब से भी कई दिन कैंपल के भिजवा दो, बच्चे की ज़्यादा तबीयत गड़बड़ है, लेकिन वो कह रहे थे इमरजेंसी कोई और एक और बोले के गई है। तो क्या एक ही एम्बुलेंस है पूरे ब्लॉक में? यहाँ तो एक ही बता रहे थे। अच्छा, क्या मानते हो क्या ऐसी व्यवस्था रहेंगी यहाँ आदिवासी? लापरवाही, लापरवाही मानते हैं। तो ये जो लोग बता रहे हैं कि किराए जो उधार पैसे लेकर गाड़ी लेकर जा रहे हैं, मजबूरी नौकर ले जा रहे, बच्चा बच्चा ना उनका, व्यवस्था तो बहुत बड़ी बिटमना हो रही है आदिवासी के नाम पर, और आदिवासियों का कोई वो नहीं है यहाँ दर्द। तो आप बताइए इतनी व्यवस्था सरकार करती है आदिवासी विकास खंड में इलाज के लिए, तो यहाँ पे ये कमियाँ देखी जा रही हैं, क्यों ना इन पे एक्शन हो, जिम्मेदार होना चाहिए ना, जिम्मेदारी होनी चाहिए यहाँ पर, जिम्मेदारी होनी चाहिए नहीं। एम्बुलेंस आज आदिवासी गरीब के संग ऐसा हो रहा, गरीब का आज जब गाड़ी नहीं मिल रही तो प्रशासन की कई व्यवस्था है। हाँ तो भाई एम्बुलेंस नहीं मिल रही उसका बेचारे का आज, और 2 घंटा से आप तड़प रहे, मैं देख रहा हूँ पैर बिल्कुल चला गया बेचारे का, उसे खून टपकते ही रेफर यहाँ से किया गया है और वो निजी खर्चे से जा रहे हैं, अपने निजी बोले कर जा रहे हैं। तो आप इस मामले की शिकायत करेंगे या नहीं करेंगे? शिकायत तो करेंगे, ऊपर वालों को भी बताएंगे, हमारे जो घर बैठे पार्टी को उनका भी बताएंगे की व्यवस्था आदिवासियों के संग में सही है। इसमें एक्सीडेंट रोज होते हैं और रोज ही ऐसी कोई एक ना एक समस्या हमारा घर पास में ही है, रोज आती है और कोई निराकरण नहीं होता। ऐसे ही डॉक्टर हैं, ऐसे ही BMO हैं, ऐसे ही CHO हैं, सारे गश्त वस्त हैं और कोई व्यवस्था नहीं। आज आप देख रहे हो कि खून टपकता हुआ उस मरीज का जा रहा हुआ जा रहा है और उसका पैर टूट गया और यहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है और कोई व्यवस्था। वो लोग बता रहे हैं कि उन्होंने तो उधार पैसे लेकर एम्बुलेंस मंगवाए, उधार हमसे दिए इनसे दिलवाए और एम्बुलेंस कराई है। कितना समय हुआ इस घटना को? 6 बजे ये घटना हुई थी और अब लगभग टाइम 9:22 हो रहा है, यानी कि 3 घंटे 22 मिनट हो चुके हैं इस बार। आप क्या कहते हो कैसी व्यवस्थाएं हैं, पर क्यों ध्यान नहीं देता है? आसानी से कोई ध्यान नहीं देती और ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर फैन है। गोरस और कराल के बीच में एक्सीडेंट हुआ था, इन लड़कों का, दो लड़के थे, तो उनके लिए यहाँ पर कराल अस्पताल में कोई भी व्यवस्था नहीं है। जैसे मान लो
अब इनका उधार लेके इन लड़कों ने के घर वालों ने और उनके प्राइवेट गाड़ी मंगवाई है। अच्छा, क्या डॉक्टर ने एम्बुलेंस नहीं दी? डॉक्टर ने ये सब मना कर दिया कि कोई एम्बुलेंस वगैरह नहीं है। अच्छा, और ये गोरस से यहाँ तक कैसे आए? गोरस से यहाँ से ये लाए गए थे ऐसे ही, मतलब अभी जैसे मान लो वो अभी एक लड़का था तो वो उसका पैर बिल्कुल आ गया, वो बिल्कुल तड़पने लगा है, तब जाके उनके घर वालों ने मतलब किसी से पैसे उधार लिए पड़ोस में या किसी से, तो तब जाके उन्हें ये इसका आदिवासी समझते हैं। अगर इसकी जगह कोई और होता तो एम्बुलेंस इनकी ढेर लग जाते, लाइन लग जाती, लेकिन अब इनको उधार पैसे मंगवा के इनको ग्वालियर रेफर कर रहे हैं। अब आज एक जो एक्सीडेंट हुआ है गोरस पर, महिलाएं आरोप लगा रही हैं और हमने भी देखा है कि निजी गाड़ी से वो यहाँ से गए हैं बाल इलाज कराने के लिए, गरीब लोग हैं, उन्हें एम्बुलेंस क्यों नहीं मिली यहाँ पर? एम्बुलेंस के लिए उनके लिए फ़ोन किया था तो 160 गाड़ी यहाँ नज़दीक में थी नहीं, मैंने स्वयं भी फ़ोन किया था, उन्होंने डॉक्टर साहब मैंने किया था और परिवार वाली गाड़ी के वो बलदेव परमार हैं उनसे ही मैंने बात करी थी, तो वो लगे हमारी गाड़ी एक रेफर लेके गई है रजपुरा और एक गाड़ी रजपुरा लेके गई है उसके लिए डिस्चार्ज वाले को और एक रेफर लेके गई है बोले विश्वपुर, तो अभी नज़दीक में बोले गाड़ी नहीं है तो थोड़ी देर में गाड़ी बोले आ जाए, एक गाड़ी है तो उसकी वायरिंग ख़राब है, उसको पार्ट्स मंगाया है विश्वपुर से तो आ जाएगी जल्दी। लोग बता रहे हैं कि उन्हें तो कम से कम 2 घंटे हॉस्पिटल में आना आए हुए होंगे, ऐसी कितनी दूर एम्बुलेंस है जो आ नहीं पा रही 2 घंटे में लौट कर? अब मुझे तो अभी जानकारी मिली तो मैंने ये पूछा था उनसे तो बोले अभी तक आ नहीं पाई है, टाइम लगेगा थोड़ा, जो कह रहे हैं 2 घंटा आएगा सर। इमरजेंसी सेवाएं जो होती हैं, अगर किसी की अचानक ऐसी घटना होती है तो क्या एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ेगा क्या सर? क्या कुछ ऐसे साधन नहीं? एम्बुलेंस के लिए व्यवस्था हो, एम्बुलेंस कभी कभी ज्यादा केस हो तो फंस भी जाती है सर, इतना गंभीर लगातार सर कराल में लगातार ही केस आ रहे हैं कि डॉक्टर भी ड्यूटी पर नहीं बैठते हैं सर, क्या कंट्रोल है सर आपका यहाँ पर? नहीं, डॉक्टर तो बैठ रहे हैं।